मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। देखिए फिरोजाबाद में तीन एरिया, श्री सुल्तान मस्जिद और मोती मस्जिद और हमारा दुर्गेश नगर, इस तरह के तीन एरिया हॉटस्पॉट हमारे चिन्हित हुए थे। जो हमारे चार जमाती पॉजिटिव आए थे उनके आने के बाद से हमने लगातार सीलिंग इन क्षेत्रों की कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से सील किया जा चुका था और उसको आज की डेट में भी सील रखे हुए थे। अभी हम लोगों को जो निर्देश मिले हैं उसमें इन क्षेत्रों को पूरी तरह से पूरी कड़ाई के साथ और पूरा अच्छे से फोर्स लगा के और ड्रोन के माध्यम से ये सुनिश्चित हम लोगों को करना है कि इन एरिया में पब्लिक की किसी प्रकार की मूवमेंट ना हो। ये जो सीलिंग की कार्रवाई है ये उन्हीं एपिसेंटर हमारे जो हॉटस्पॉट है उन्हीं में होनी है। जनपद के और दूसरे हिस्सों में इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनपद में जो हमने 2 घंटे की छूट सुबह पब्लिक को दे रखी है जरूरी सामग्री को खरीदने के लिए मार्केट को, वो 7 से 9 की जारी रहेगी। और जो हमारा ये सीलिंग वाला क्षेत्र है इसमें सभी प्रकार की सुविधाओं की सुविधाएं पब्लिक को होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। कोई भी एसेंशियल सर्विस है उसके लिए उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। बहुत ही अगर ज़रूरी किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी एम्बुलेंस को कॉल करके उसकी सुविधा उनको दी जाएगी। सर सील को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें जनता के बीच जा रही हैं, उसको लेकर मैसेज क्या देना चाहेंगे जनपद वासियों? मैं फिरोजाबाद के लिए स्पेशली जनता को कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये सीलिंग की कार्रवाई सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पर पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जो मैंने बताया अभी सीजगान और दुर्गेश नगर और हमारा सलमान फारसी मस्जिद मस्जिद वाला जो क्षेत्र है, तो रसूलपुर का जो इस तरह का रसूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है उसी में सीलिंग की कार्रवाई रहेगी और उसको हम एनफोर्स कराएंगे। जनपद के बाकी हिस्सों में पब्लिक के लिए बाकी नियम लागू रहेंगे।